सो हम यहां पे थे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इन 100. सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 34.87 ग्राम आ गया और एक्स बार है हमारे पास 122.5 ग्राम इन 100 which is equal to 0.284 into 100. So coefficient of variation is equal to 28.46%. ये हमारे पास आ गया second series का, discrete series का for result. अब आगे properties of variance. If all the variations of the variable series xi are constant, the variance of the series will be zero. Variance of e is equal to zero. Suppose xi is equal to 2, 2, 2, 2, x bar is equal to 2, x square is equal to zero. अब पहली property variance की ये है कि अगर हमारे पास जो variable है उसकी सारी property जो observations है वो एक ही है, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास एवरेज आएगी वो एक ही वही वैल्यू आएगी. सो उसका जो हमारे पास वेरिएंस आएगा उस वेरिएंस उस सीरीज का वेरिएंस किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा. सेकंड प्रॉपर्टी, द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट टू चेंज इन ओरिजिन. ठीक है, वेरिएंस the variance remains unchanged when a constant is added from all the observations of the variable series xi. अगर जो variance के अंदर कोई भी variable आप add करते हो तो उसका जो उस series के अंदर variable add करने से आपके variance के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, वो same रहेगा. For example, variance of xi plus a आपने add कर लिया उस series के अंदर, so उसका variance किसके अंदर रहेगा, variance into variance of xi. For example, xi variance है इसका 31.04. ठीक है, suppose आप a add कर लेते हैं यहाँ पे 2, so yi is equal to xi plus a, 6, 4 plus 2, 6, 8 plus 2, 10, 10 plus 2, 12, 17, 15 plus 2, 17, 20 plus 2, 22 आ गया. ठीक है, so variance का फार्मूला है हमारे पास summation of yi minus y bar n. So y bar find करने के लिए हम sum करेंगे y i को divided by number से, which is equal to 67 divided by 5 is equal to 13.4. अब हम minus करेंगे y i minus y bar, 6 minus 13.4 ये आ गया. अब second column का हमने square लेके sum किया, which is equal to 155.2. अब हम इसका variance जो ऊपर formula है हमारे पास given, उस फॉर्मूला में डाल के जब वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वेरिएंस इज इक्वल टू 155.2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 31.04. क्लियर हो गया कि जो हमारे पास नंबर से एक्स आई था उसमें अगर हमने कोई उसका जब हमने वेरिएंस फाइंड कर लिया पहले, ठीक है, वेरिएंस फाइंड करने के बाद उन नंबर्स में हमने ऑब्जर्वेशन में हमने कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे हमने एड किया, जब वो ऐड करने के बाद दो सीरीज का हम वेरिएंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस आएगा वो सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा. सो वेरिएंस पहले भी हमारे पास 31.04 था, अब भी हमारे पास क्या है, 31.04. सेकंड, द वेरिएंस रिमेंस अनचेंज व्हेन अ कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस After variable series xi. पिछली प्रॉपर्टी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई आप बस वैल्यू है ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर एक नंबर आप एड कर रहे हो, नंबर एड करने के बाद आपने वहां पे दोबारा वेरियंस फाइल किया तो नंबर एड करने से पहले जो वेरियंस आएगा बाद में भी वही वेरियंस आएगा. अगेन यहाँ पे अगर आप कोई नंबर एक कॉन्स्टेंट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपके पास जो सीरीज है उसका जो वेरियंस होगा और नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सीरीज आएगी उसका वेरियंस आपके पास बराबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही एग्जाम्पल है, हमने ले ली 4, 8, 10, 15, 20. अब हम इसका जो वेरियंस लास्ट फाइंड किया था विच वॉज इक्वल टू 31.04. अब हम इसमें एक नंबर माइनस
माइनस कर देते हैं, 8 इज इक्वल टू 2, हमें इसमें से सारी एक्स आई में से माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 2 2 6, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 2 13, 20 माइनस 2 18। अब हम जब हम इसका वैल्यूज फाइंड करेंगे y i के सेकंड सीरीज जो सबट्रैक्ट करने के बाद है हमारे पास, सो इसकी जो सीरीज वेरियंस आएगी हमारे पास व्हिच इज इक्वल टू समेशन ऑफ y i माइनस y बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। y बार फाइंड करेंगे y i को सम करके डिवाइड बाय नंबर से, तो y बार जो है हमारे पास y 47/5 इज इक्वल टू 9.4। अच्छा, अब जो ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, इसमें से हमने y बार माइनस की और y i माइनस y बार को स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेके इसका जब सम किया हमने तो दैट इज इक्वल टू 155.2। अब वेरियंस ऑफ yi इज इक्वल टू 155.2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 31.04। सो वेरियंस इज इक्वल टू xi माइनस a, सो यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, इट इज xi माइनस a is equal to 31.04, so variance of xi minus a is equal to variance of xi which is equal to 31.04 is equal to 31.04। so जैसे last property के अंदर हमने कोई एक constant number add करके variance में से उसका series में से उसका variance find किया था, तो variance add करने से पहले और बाद में same variance आ रहा था, इसी तरह सबट्रैक्ट करने के बाद भी सीरीज में हमारे पास नंबर सबट्रैक्ट करने के बाद जो वेरियंस आ रहा है उससे पहले जो वेरियंस था उससे सेम आ रहा है। सेकंड वन, द वेरियंस इज नॉट इंडिपेंडेंट टू चेंज इन स्केल। स्केल क्या होता है, जो आपके पास यूनिट्स ऑफ मेजर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं कि स्केल है, सॉरी किलोमीटर है, वेट है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, वजह ये है कि ये हमारे पास जो रिजल्ट देता है हमें वो परसेंटेज के अंदर देता है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स आई इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट, द वेरियंस ऑफ न्यू सीरीज इज इक्वल टू द वेरियंस ऑफ ओरिजिनल सीरीज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, कोई एक आपके पास वेरियंस था एक्स आई, तो आपने ये किया कि जो सीरीज के पास आपके पास सीरीज थी एक्स आई, सीरीज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक नंबर के साथ ए, तो जो ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास सीरीज है उसको आप जब फाइंड करोगे उसका वेरियंस, तो वो किसके इक्वल होगा, जो आपके पास रिजल्ट में वेरियंस आएगा उसके साथ उसी नंबर को स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां से आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक नंबर से ऑब्जर्वेशन एक्स आई 4, 8, 10, 15, 20, इसका वेरियंस आपने फाइंड कर लिया 31.04। अब यहां पे आपने एक नंबर ले लिया a which is equal to 2, so yi is equal to axi, ये अब आपने मल्टीप्लाई किया a को xi के साथ, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब जो आप वेरियंस का फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज इक्वल टू yi इज इक्वल टू समेशन ऑफ yi माइनस y बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो y बार जब आप फाइंड करोगे तो y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ yi डिवाइडेड बाय n। y बार आप यहां पे yi का फाइंड करोगे, सम करोगे इसका, व्हिच इज इक्वल टू 1414 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 22.8। ये आपके पास y बार आ गया। अब आप इसको वेरियंस वाले फार्मूला में पुट करोगे, yi माइनस y बार पहले फाइंड किया आपने, इसका स्क्वायर लोगे, उसका सम करोगे, व्हिच इज इक्वल टू 620.8। ये आपके पास आ गया ये थर्ड कॉलम। अब यहां से आप इसका वेरियंस के फार्मूला में डालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन रेट में जो नंबर्स होते हैं आपके पास 620.8 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 124.16। लिहाजा जब यहां पे आपने ऐड किया था वेरियंस ए, जो ए था आपके पास 2 ऐड किया आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई जब 2 किया आपने, तो बाकी जो आपके पास रिजल्ट आ गया वेरियंस का वो किसके इक्वल आ गया 124.16। लेकिन पहले जब आपने इस सीरीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था तो वहां पे आपके पास जो वेरियंस था विच वॉज इक्वल टू 31.04, ठीक है। तो अब यहां पे हमने प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया कि आप जो वेरियंस रिजल्ट होगा उसको उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। लिहाजा सपोज ए हमारे पास वो 2 है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 का स्केयर लेंगे, इसको हम पहले वेरियंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 31.04 के साथ।